बस्ती जिले के बाल विकास परियोजना विक्रमजोत ब्लॉक में पोषण जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें ग्रामवासियों को पोषण के बारे में खान पान कैसा होना चाहिए, बच्चों को किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं को किस प्रकार का भोजन देना है, इसकी जानकारी ग्रामवासियों को दी गई। भारतीय टीम न्यूज से अशोक कुमार की रिपोर्ट। बताइए, जो अभी आप सहजन के बारे में बताए हैं, सहजन के पत्ते के और उसके डंठे के बारे में, ये किस पर्पज में बताए हैं, उसका क्या फायदा है? इससे सहजन तो एक तो ऐसा है कि वो फ्री की चीज है, और वो हमारे अगर सभी लाभार्थी ग्रहण करें तो एनीमिया उससे भगेगा, हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। सहजन के बहुत फायदे हैं, समझ लीजिए वो एक अमृत के समान है, प्रकृति के द्वारा दिया गया अमृत है वो, और उसको लोग खाना पसंद तो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग जागरूक कर रहे हैं गांव-गांव में जाकर के कि लोग इसको अधिक से अधिक सेवन करें, ताकि इससे लोगों के अंदर जो खून की कमी आ जाती है, किशोरी बालिकाओं में ज़्यादातर खून की कमी होती है और गर्भवती महिलाओं में ज़्यादातर हो जाती है, तो इसको उससे आराम से लोग फ्री में समझ लीजिए फायदे की चीज़ है वो, और खा करके खून की कमी पूरा कर सकते हैं, हड्डियाँ भी इससे मजबूत होती हैं। मैम ये बताइए कि जो ये यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम केवल यहीं पे है कि और कई जगह मनाया जा रहा है? ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में हो रहा है, और पूरे प्रदेश में एक निर्धारित तिथि है, ये हर माह मनाया जाता है, और बीच में लॉकडाउन की वजह से ब्रेक हो गया था, लेकिन आज 22 तारीख से पुनः पोषण माह के दौरान प्रारंभ किया जा रहा है। उसी का उद्घाटन करने हम लोग भी लाभार्थी के घर आकर के अन्नप्राशन करा करके बच्चे को अपने सामने और उद्घाटन किया गया पुनः आज, और उनको संदेश भी दिया गया इसके फायदे क्या हैं ऊपरी आहार देने के, और ऊपरी आहार कैसे दिया जाए बच्चे को, उसको साफ सफाई के विषय में भी बताया गया। कार्यक्रम किया गया जी, ग्राम सभा देवखर है, देवखर ग्राम का नाम भी है, और ये अन्नप्राशन दिवस मनाया जा रहा है। ये बताइए केवल देवखर गांव में मनाया जा रहा है कि और सभी जगह मनाया जा रहा है? जी आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, अन्नप्राशन दिवस आज है, इस महीने में पोषण माह चल रहा है। अब तक हम लोग अपने केंद्र पर बुलाकर अन्नप्राशन करवाते थे, अब हम लोगों को बताया गया कि घर घर जाके लाभार्थी के घर पर जाके करवाइए। तो केवल आज ही किया गया कि इसके बाद में फिर कहीं कार्यक्रम होगा? फिर कार्यक्रम होगा, 26 को अभी गोद भराई होगी, उसके बाद अब कार्यक्रम जिस तरह बढ़ाएंगे उसी तरह हम लोग भी हर दिन करेंगे। उंगलियों को करना, उसके बाद अंगूठे को, ठीक है, पीछे की तरफ, ठीक है, अंगूठे के बाद फिर ये, उसके बाद क्या करेंगे, कलाई को रगड़ेंगे, थोड़ा दूर खड़े हो, दूर खड़े हो, फिर कैसे किस पानी से हाथ धोना है, गिरते हुए पानी से, चाहे कोई डाले या बह रहा हो, ठीक है, जैसे ये पानी गिर रहा है ना इस तरह से,